13 फरवरी को बाबा लाल दयाल जी का मनाया जाएगा जन्म दिवस। 10 फरवरी सुबह 11 बजे निकलेगी शोभा यात्रा। सारा दिन चलेगा अटूट लंगर। बाबा लाल दयाल जी का जन्म दिवस 13 फरवरी को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए परम पूज्य 108 श्री महंत अनंतादास जी महाराज ने बताया कि इस बार बाबा लाल दयाल जी का 666वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 10 फरवरी को सुबह 11 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 13 फरवरी को जन्म दिवस वाले दिन अटूट लंगर लगेगा और भजन मंडलियां गुणगान करेंगी। बाबा लाल दयाल जी महाराज का 666वां जयंती महोत्सव गद्दी बाबा लाल दयाल जी चौक करमडोली में हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी बाबा लाल दयाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा 10 फरवरी को प्रातः 11 बजे मंदिर परिसर से निकाली जाएगी, जो शहर के भिन्न भिन्न इलाकों से होते हुए मंदिर में ही समापन होगी। 13 फरवरी को बाबा लाल जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियां बाबा लाल जी का गुणगान करेंगी, संकीर्तन प्रवचन चलेंगे, सारा दिन अटूट लंगर चलेगा, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। जहाँ जहाँ भी बाबा लाल जी के अनुयायी हैं वो सभी लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हर वर्ष और हर महीने बाबा लाल जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वज को बाबा लाल जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बाबा लाल जी के जन्मदिन प्रातः 10 बजे पंचामृत स्नान होगा 13 फरवरी को। उसके बाद भजन मंडलियां बाबा लाल जी का गुणगान करेंगी। रात्रि 12 बजे कीर्तन होगा, अरदास होगी और प्रसाद वितरण किया जाएगा रात्रि 12 बजे। लोगों को यही मैसेज है कि जो हमारे जो त्यौहार हैं, जो गुरुओं के दिन हैं, मिलजुल के सबको मनाने चाहिए। एकता और भाईचारे का प्रतीक सबको होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव, बाबा लाल दयाल जी महाराज सभी धर्मों को एक समान मानते थे, तो सर्वधर्म का संभाव ही। शोभा यात्रा को लेकर इस बार रूट वही रहेगा कि कुछ बदलाव किया? नहीं, बदलाव कोई नहीं किया है। रूट कटरा जामल सिंह, सिकंदरी गेट, हाल बाजार, गोलहट्टी चौक, रामबाग, बग्गिया वाला कटरा, बिजली वाला चौक, परावा के ढाबे से होते हुए कटरा जयमल सिंह में समापन हो जाएगा। कोविड-19 को लेते हुए हमारे कुछ प्रिकॉशन, कुछ सुझाव? कोविड-19 में हमने यहाँ मास्क भी मंगा के रखे हैं, सबको दिए जाएंगे अभी, तो थोड़ा कोविड-19 का परहेज ही रखना चाहिए। जो रूल सरकार ने बनाए उनसे रूल से चलना चाहिए।